बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन का सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने 100 से अधिक बार मेज थपथपाकर स्वागत किया। हालांकि 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में 20 से अधिक विपक्षी दलों के बहिष्कार के कारण ऐतिहासिक केंद्र कक्ष में काफी सीटें खाली थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस सदस्य रवनीत सिंह बिट्टू ने कृषि कानून के विरोध में नारेबाजी की। करीब 1 घंटे के अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियों का जिक्र आने पर केंद्रीय कक्ष में सदस्यों ने 107 बार मेज को थपथपाकर उनका स्वागत किया। वहीं राष्ट्रपति लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्हें कृषि कानूनों के विरोध में अभिभाषण के दौरान पोस्टर लहराते दिखाया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुछ अंश का अनुवाद अंग्रेजी में पढ़ा। कोरोना वायरस महामारी के बीच दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन किया गया। इस दौरान सदस्य एक दूसरे से निर्धारित दूरी बनाकर बैठे। वहीं कुछ सदस्यों के लोकसभा और राज्यसभा कक्ष में भी बैठने की व्यवस्था की गई। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।